जी हाँ, आपका थंबनेल में देख रहे हैं पंगासियस फार्मिंग, जासर मछली का कल्चर। तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो फार्मर मछली पालन करना चाहते हैं तो ये पंगासियस का कल्चर करें, मिक्स कल्चर के साथ में पंगासियस का करें, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये मछली बहुत ही कम समय लेकर के बहुत ही अच्छा वेट गेन कर लेता है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर लेता है। तो आपको युवा सोच आज आपको विस्तार से बताएंगे कि आप जासर का कल्चर कैसे करें और कम पूंजी में कितना इन्वेस्ट करके कितना मुनाफा करेंगे। तो सारी जानकारी, A to Z जानकारी, बच्चा से लेकर के मार्केटिंग तक आपको सारा वीडियो पे अंत तक बताएंगे, और बहुत ही कम समय में आपको सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो पे अंत तक बना रहे। तो पंगास जो है बहुत ही कम समय में अच्छा खासा ग्रोथ लेने वाली मछली है, और इसका मुख्य भोजन फ्लोटिंग फीड है। ये ऊपर आके भोजन करने का इंटरेस्टेड रखता है, और इसका नेचर फ्लोटिंग फीड की तरफ आकर्षित होता है, और ये बहुत ही नरभक्षी किस्म का मछली है। ये हर चीज खाने को उतावला रहता है, घास मट्टी छोड़ के ये जौन चीज भी दीजिएगा वो बहुत ही तेजी से खाता है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यदि पंगास पालन करते हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि एक पौंड के साथ में एक नर्सरी पौंड जरूर रखें, यानी आप 1 एकड़ का तालाब में कल्चर करते हैं तो आप अपने तालाब के लिए एक 5 कट्ठा का नर्सरी पौंड रखें, जिसके जिसमें आप आसानी से बच्चे को ईयरलिंग तक उसमें रखे, 7 8 10 महीना 12 महीना हो सके तो यदि रख लिए तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं ना कि 3 से 4 महीना में आपका पंगास मछली केजी हो जाएगा, 1 केजी। उसके लिए मैं गारंटी देता हूं कि आपको 1 केजी होने में कोई नहीं रोक सकता। जो फार्मर भाई बोलते हैं कि मेरा मछली ग्रोथ नहीं करता है, तो मेरा वीडियो को गौर से देखें, पीछे बैक करके दोबारा देखें, वीडियो को भगा भगा करना देखें। और क्योंकि बहुत ही आपके लिए मुद्दे की बात बताते हैं, क्योंकि जब सुनिएगा नहीं सीखिएगा नहीं तो आपको तो लॉस होगा ही होगा, किसी को ना किसी को तो आपको बात मानना पड़ेगा। आप कहीं कोई आदमी पेट से कुछ सीख नहीं आता है। तो आप वीडियो पे अंत तक बना रहे, आपको बहुत ही चंद समय लेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो ईयरलिंग बच्चा यदि आप जैसे ही स्टॉप करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपका पंगास 1 केजी हो जाएगा। और ईयरलिंग में आप कोशिश करें कि बच्चे को 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच तक ले जाए, यदि आप उतना लेके चले जाते हैं। और उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो 3 साढ़े 3 महीने का जो कल्चर बता रहे हैं उसमें आपको FCR पर ध्यान देना है, आपको 1 केजी 200 ग्राम प्रतीक मछली आपको खिलाना है। ये नहीं कि आपको 3 टाइम मछली देखिएगा और बोलिएगा कि हमारे पास मछली का ग्रोथ नहीं हुआ, मछली हमारी 300 ग्राम की रह गई। तो भाई नहीं, आप उतना ही मछली पालिए जितना आपको पॉकेट अलाउ करता है। यदि आप 1 केजी मछली तैयार करने के लिए, 1 केजी 300 ग्राम यदि फीड खिलाने के लिए आप समर्थ हैं, यदि फ्लोटिंग फीड खिलाइए, कंपनी का फीड खिलाइए, घरेलू फीड खिलाइए, 1 केजी 300 ग्राम आपको खिलाने का समर्थ है तो आपको 110% का हम दावा करते हैं, युवा सोच आपका दावा करता है कि आपका 1 केजी मछली होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको 30 से 40% तक का मुनाफा आपको 4 महीने में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इसी तरीका से अनगिनत वीडियो मैं नए नए टॉपिक पे लाते रहता हूँ। और इसके बाद आपको मैं कल का वीडियो में नर्सरी पाउंड का वीडियो लाऊंगा, जो आपको नर्सरी कल्चर A to Z जानकारी दूंगा। अब पंगास में यदि किसी तरीके से बीमारी आए, फंगस आए, इन्फेक्शन आए, तो आप उसके लिए हमें कॉल करें, SMS करें। पिछले अनगिनत वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, आप मेरा वीडियो पर जाके विजिट करें। और किसी भी तरह की समस्या हो तो आपके लिए आपका भाई 24 घंटा प्रेजेंट है, जो समस्या हो कल्चर के संबंधित आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कभी भी मछली पालन करें तो मिश्रित मछली पालन करें, पंगास खाली नहीं पाले, पंगास के साथ में और भी मिश्रित कल्चर करें। आप वीडियो और थंबनेल में जो देख रहे हैं कुछ उसको बढ़िया से गौर करके समझें और वीडियो को देखें, आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगा। और
किसी भी साइज का बच्चा ऑल ओवर इंडिया में चाहिए जिनको भी, तो हमसे संपर्क करें। हाइब्रिड किसी भी प्रजाति का बच्चा आपको अच्छे क्वालिटी का, अच्छे गुणवत्ता का ईयरलिंग स्पॉन फ्राई आपको अवेलेबल डोर टू डोर करेंगे।